मूवी की शुरुआत होती है और हम एक 28 साल के जर्नलिस्ट निक को देखते हैं जो अब अपने काम की वजह से क्लिंटन में शिफ्ट हुआ है, पर यहाँ उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। और जब वो मैप से रास्ता ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है, पर वो ब्रेक लगा देता है जिससे वो लड़की बच जाती है। निक बहुत डर जाता है पर उस लड़की के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो क्लिफ फॉरेस्टर के घर जाता है उनका गेस्ट हाउस देखने, तब मिसेस फॉरेस्टर उसको अपना गेस्ट हाउस दिखाती हैं और निक को पसंद आ जाता है, फिर वो वहाँ रहने का मन बना लेता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, इस लड़के का नाम डेरियन है जो 14 साल की है और ये फॉरेस्टर की बेटी है जो अपनी दोस्त के साथ चिपकर निक को देख रही होती है, पर निक को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और तब हमें पता चलता है कि डेरियन निक को पसंद करने लगी है। आगे निक अपनी ऑफिस पर जाता है जहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड एमी को देखते हैं। फिर उसके बॉस आते हैं और निक को एक क्रिमिनल पर आर्टिकल लिखने का काम देते हैं। आगे हम निक को अपनी कार साफ करते देखते हैं, तभी वहाँ डेरियन आती है और निक के साथ बातें करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर निक उसे बच्ची समझ के इग्नोर कर देता है। आगे हम निक को लेट नाइट आर्टिकल पर काम करते देखते हैं, तभी वहाँ डेरियन आती है और निक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और उस क्रिमिनल के बारे में बातें करते हैं। अगले दिन निक सुबह जॉगिंग करके जब नहाने जाता है तो वहाँ डेरियन आती है और निक की बचपन की फ़ोटो को देखती है। तब वो निक से पूछती है क्या मैं इस फ़ोटो को अपने साथ ले जा सकती हूँ, पर निक मना कर देता है और कहता है मेरे पास इस फ़ोटो की दूसरी कॉपी नहीं है। फिर उसे अपने घर पर होने वाली पार्टी में इन्वाइट करती है पर निक मना कर देता है, जिससे वो उसे मनाने का ट्राई करती है और निक कहता है कि ठीक है मैं आने का ट्राई करूँगा। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को वो आर्टिकल दिखाने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र उस आर्टिकल पे पड़ती है और वो देखता है उस आर्टिकल में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं जबकि उसने ऐसे कोई चेंजेस नहीं किए होते हैं। फिर वो आर्टिकल अपने बॉस को देता है, तब उसके बॉस उस आर्टिकल को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। रात को निक डेरियन के घर पार्टी में जाता है जहाँ उसकी मॉम निक की मुलाकात अपने पति क्लिफ फॉरेस्टर से करवाती है। फिर निक की नज़र वहाँ पियानो बजा रहे डेरियन पे पड़ती है और वो उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो डेरियन के पास जाता है तो डेरियन उससे कहती है आर्टिकल कैसा था। तब निक को पता चलता है कि उसके आर्टिकल में चेंजेस डेरियन ने किए थे पर वो उससे कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों कार लेके एक लाइट हाउस जाते हैं जहाँ डेरियन निक को बताती है कि ये लाइट हाउस उसे बहुत पसंद है और बातों की बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर तभी निक को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है तो वो उसे लेके वापस घर चला जाता है। अगले दिन जब निक अपना काम कर रहा होता है तो उसे बाहर म्यूजिक बजने की आवाज़ आती है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ डेरियन सनबाथ ले रही होती है और निक को उकसाने के लिए अपने कपड़े इधर उधर करती है, पर निक उसे इग्नोर करके खिड़की बंद कर देता है। अगले दिन एमी निक से मिलने उसके घर आती है तो डेरियन उन दोनों को साथ में देख काफ़ी जलस फील करती है। फिर एक दिन डेरियन और एमी की मुलाकात होती है जहाँ डेरियन की बातें सुन एमी को लगता है कि डेरियन निक को पसंद करने लगी है, और जब निक और एमी साथ में होते हैं तो एमी निक को बताती है कि डेरियन तुम्हें प्यार करने लगी है, पर निक उसे बच्ची समझ के इग्नोर करता है। आगे हम निक को काम करता देखते हैं, तभी उसे डेरियन का कॉल आता है जहाँ बातों ही बातों में उसे याद आता है कि उसकी फ़ोटो टेबल पे नहीं है, तो वो डेरियन से पूछता है कि क्या तुमने वो फ़ोटो ली है, पर वो मना कर देती है जिससे वो परेशान होकर डेरियन के घर जाके उसके रूम में अपनी फ़ोटो ढूंढता है पर उसे वहाँ वो फ़ोटो नहीं मिलती। तभी वहाँ डेरियन आती है जिसे देख वो अलमारी में छिप जाता है और जब डेरियन कपड़े बदल रही होती है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ निक है, जिससे वो अलमारी की तरफ घूम कर कपड़े बदलने लगती है और निक उसे देख रहा होता है। फिर डेरियन वहाँ से चली जाती है, तभी निक अलमारी से निकल के चुपके से वहाँ से जा रहा होता है, तभी दरवाजे खोलने पर उसे वहाँ डेरियन के डैड मिलते हैं और उनके पूछने पे वो बताता है कि मैं जस्ट यहाँ डेरियन को उसकी बुक वापस करने आया था। फिर उसके डैड निक को अपने साथ ले जाते हैं और डेरियन की बचपन का झूला दिखाते हैं। तभी वहाँ डेरियन आती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी बुक निक को दी थी, तो डेरियन एक रैंडम बुक का नाम ले लेती है जिससे निक को एहसास हो जाता है कि डेरियन सच में उससे प्यार करती है। फिर जब डेरियन झूला झूल रही होती है तो निक उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनके बीच काफ़ी डिफरेंस है। तब डेरियन उससे कहती है तो लाइट हाउस में तुमने मुझे क्यों किस किया, जिससे निक वहाँ से चला जाता है। आगे वो अपनी कार को रिपेयर करवा के एमी को दिखाने लाता है पर वो देखता है उसकी कार पे किसी ने स्केच करके गाली लिखी होती है। तभी उसे लगता है कि ये काम डेरियन ने किया होगा, जिससे वो डेरियन के डैड को चक्की कहता है और जब डेरियन के डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है तो वो मना कर देती है। आगे जब निक अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है तब डेरियन की दोस्त उसके पास आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे इस जगह पे आके मिलना, और चली जाती है और ऊपर खिड़की से डेरियन उन दोनों को देख रही है।
आगे जब डैरियन अपने दोस्त के साथ हॉर्स राइडिंग कर रही होती है तो वो अपने दोस्त के घोड़े के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है जिससे उसकी दोस्त राइडिंग के दौरान गिर जाती है और डैरियन उसे देख मन ही मन खुश हो जाती है। आगे हम निक को डैरियन की फ्रेंड का वेट करते देखते हैं पर तभी वहाँ डैरियन आ जाती है और निक को बताती है कि उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। आगे हम देखते हैं निक अपने कंप्यूटर में अपने आर्टिकल ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ से सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं जिससे उसको लगता है कि डैरियन ने किया होगा और वो परेशान होकर कहीं और शिफ्ट होने का सोचता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वो देखता है वहाँ कोई दरवाज़ा है और जब उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ काफ़ी कैंडल्स जल रही होती हैं और उसकी फ़ोटोज़ वहाँ होती हैं। तब उसे आइडिया लग जाता है कि डैरियन यहाँ आके छिप जाती थी जिससे वो अपने घर का लॉक बदलता है और उन फाइल्स को वापस लिखने बैठ जाता है। पर तभी उस वक्त डैरियन उसे बार बार कॉल करती है जिससे वो अपनी टेलीफोन लाइन निकाल देता है जिससे डैरियन गुस्सा हो जाती है। फिर वो दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है और उसे घर मिल भी जाता है जिससे वो एमी को अपने घर पैकिंग में मदद करने के लिए बुलाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एमी डैरियन से मिलती है तो डैरियन उसे पूछती है कल की रात कैसी रही। तब एमी उसे समझाती है और कहती है तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कोई और मिल जाएगा, निक बस तुम्हारा अट्रैक्शन है, और वहाँ से चली जाती है। फिर रानी एक रूम में जाती है तो डैरियन उस रूम को बाहर से ताला लगा के उस रूम में मधुमक्खियाँ छोड़ देती है जिसके काटने से एमी की हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे हम निक को कॉल पर बात करते देखते हैं जहाँ उसे एमी के साथ हुई हादसे के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ डैरियन आती है और निक को उसके हॉर्स राइडिंग की रेस को देखने के लिए इन्वाइट करती है। हॉर्स राइडिंग के दौरान निक वहाँ नहीं आता क्योंकि उसे ऑफिस में काम होता है जिससे डैरियन गुस्सा हो जाती है और निक के पास जाती है और सबके सामने निक को चाटा मार देती है। फिर निक उसको पकड़ के कोने में ले जाता है और उसे वार्निंग देता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। आगे वो अपने नए घर के मालिक से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि डैरियन ने उन्हें जाके कहा कि निक एक ड्रग डीलर है जिससे वो अब उसको घर देने से मना कर देते हैं। फिर जब निक घर जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि डैरियन ने निक के ऊपर रेप का केस कर दिया है। जहाँ वो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि डैरियन के बॉडी से तुम्हारा सीमन मिला है। दरअसल जिस दिन एमी और निक इंटीमेट हुए थे उस दिन डैरियन वहाँ जाके डस्टबिन से यूज प्रोटेक्शन लिया था जिससे उसे निक का सीमन मिल गया था। पर निक के बॉस आके उसे बेल पर छुड़ा लेते हैं। फिर अपना सामान पैक करके घर पर जाता है तो वहाँ डैरियन की फ्रेंड आती है और जो निक को बताती है कि डैरियन एक लड़की से प्यार करती थी पर उस लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद उस लड़के ने पॉइजन खा के अपनी जान ले ली। और मुझे लगता है कि ये कम शायद डैरियन ने ही किया होगा। और डैरियन के पास एक पर्सनल बुक है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखती है। अगर वो बुक तुम्हें मिल जाएगी तो तुम खुद को बेकसूर साबित कर सकोगे। फिर वो वहाँ से डैरियन के घर जाती है और थोड़ी देर बाद निक को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए डैरियन के घर जाता है जहाँ डैरियन उसे प्यार का इजहार करती है पर निक उसे इग्नोर करके उसकी फ्रेंड को ढूंढने लगता है जिससे डैरियन गुस्सा हो जाती है और निक को मारने लगती है। पर निक भाग के वहाँ से उस रूम में चला जाता है जहाँ डैरियन का बचपन का झूला था जहाँ वो उसकी फ्रेंड को बंधा देख उसको छुड़ाने के लिए कोशिश करता है। तभी वहाँ डैरियन आ जाती है और निक को मारने लगती है पर निक खुद को छुड़ा के डैरियन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ डैरियन के पिता आ जाते हैं जो निक को मारने लगते हैं पर अपने पिता को निक को मारता देख डैरियन उसके पिता को ही मारने लगती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर निक डैरियन को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। आगे हम डैरियन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और वो निक के लिए लेटर्स लिख रही होती है और हम निक को अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ खुश देखते हैं। लास्ट सीन में हमें डैरियन को अपने डॉक्टर की फ़ोटो को गौर से देखते हुए दिखाते हैं और सूर्यकांत यही हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।